सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही भोली भाली चिड़िया थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत पढ़ाया लिखाया। जो टुनटुनी चाहती थी उसके माँ बाप ने उसे सब कराया। धीरे धीरे समय बीतता गया और टुनटुनी की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब आने जाने वाले सभी रिश्तेदार अब टुनटुनी को देखकर उसके माँ बाप से उसकी शादी की बात करने लग जाते। एक दिन एक चिड़िया टुनटुनी के घर आती है। मेरा लड़का बहुत अच्छा और संस्कारी है। तुम चाहो तो मेरे लड़के से अपनी लड़की की शादी कर सकती हो। तुम्हारी लड़की मेरे लड़के के साथ बहुत खुश रहेगी, राज करेगी वहाँ पर। चुनमुन हाँ कर देती है। टुनटुनी अब अपनी ससुराल आ चुकी थी। टुनटुनी की सास पिंकी बहुत ही दुष्ट होती है। वह टुनटुनी के घर आते ही उसे 10 काम बता देती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। टुनटुनी सारे काम करने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए जैसे ही लेटती है, तभी पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, बहू सारा काम कर लिया हो तो जरा यहाँ भी आ जाओ, मुझे कुछ काम था जरा। हाय माँ जी, बताइए क्या काम था आपको। बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो जरा। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप आराम करिए, मैं आपके पैर दबाती हूँ। और फिर ऐसे कहकर टुनटुनी पिंकी के पैर दबाने शुरू करती है। बहुत देर तक पैर को दबाने के बाद भी पिंकी आराम से पैर दबवाती ही रहती है। वो टुनटुनी को मना नहीं करती है। टुनटुनी बहुत देर तक पैर दबाने के बाद थक जाती है। पिंकी चिड़िया उससे कहती है, बहू बहुत सारे बर्तन गंदे हो गए हैं, जरा उन्हें साफ कर देना। टुनटुनी बर्तन साफ करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पिंकी अपनी बहू टुनटुनी से काम करवाने से बाज नहीं आती है। वो उससे पूरा दिन काम करवाती ही रहती है। ऐसे ही समय बीतता चला गया और पिंकी का बर्ताव भी बदलता चला गया। पहले तो पिंकी हमेशा बहू कहकर ही टुनटुनी को बुलाया करती थी, पर अब वह टुनटुनी को बहुत बेइज्जत करने लगी। ए टुनटुनी, करम जली कहाँ मर गई थी तू। जी माँ जी, बताइए क्या काम था माँ जी। तुझे पता भी है सबके गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें कौन धोएगा, तेरी माँ। और रसोई में इतने बर्तन पड़े हुए हैं और घर की सफाई भी करनी है, उन्हें कौन करेगा। सुबह ही घूमने लग जाती है, घर का तो कोई काम दिखता नहीं तुझे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं भी सारा काम कर देती हूँ। टुनटुनी काम करने के लिए चली जाती है। सारे काम खत्म होने के बाद टुनटुनी थक कर थोड़ा सा आराम करने लग जाती है। तभी उसकी सास उसे फिर से बुलाने लग जाती है। टुनटुनी देखो तुमसे मिलने कौन आया है, जरा आकर देखो। आई माँ जी। कि तभी टुनटुनी की सहेली टिकी चिड़िया उससे मिलने के लिए आती है। टिकी, बहुत दिन बाद तुम्हें देखा है, कैसी हो तुम। भगवान के आशीर्वाद से सब ठीक है। टिकी तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अरे ओ करम जली, ऐसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तू उसे यहाँ दावत दे रही है। तेरे बाप ने यहाँ करोड़ों की संपत्ति नहीं छोड़ी है जो तू किसी को भी दावत देने लगेगी। किसी को दावत देने की जरूरत नहीं है, जा जाकर उसको भगा। टुनटुनी तेरी सास तो बहुत अच्छी लगती है, लगता है तुझसे काम भी नहीं करवाती। टिकी तू मेरी सास को नहीं जानती, मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती है, एक मिनट भी आराम नहीं करने देती। फिर पिंकी टुनटुनी से पूरी बनाने के लिए कहती है। टुनटुनी पूरी बनाकर ले जा रही थी, तभी अचानक से पूरी पिंकी के ऊपर गिर जाती है। उसकी सास गर्म पूरी गिरने की वजह से उसे बहुत मारती है। और शाम को जब उसका बेटा टोनू आता है। बेटा टोनू, तेरी बीबी तो मुझे मार देना चाहती है, आज तो मैं बाल बाल बची, नहीं तो आज मैं मर गई थी बेटा। ऐसे वो टोनू को उल्टी उल्टी बातें बोलकर गुस्सा दिलाती है। टोनू भी गुस्से में आकर टुनटुनी को बहुत मारता है। टुनटुनी को बहुत चोट आ गई थी। अगले दिन टुनटुनी की तबीयत बहुत खराब होती है, तभी पिंकी उसे बुलाती है। अरे ओ टुनटुनी देवी, जरा यहाँ आ और बाजार से सामान लेकर आ, बहुत आराम कर लिया तूने। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाइए। अच्छा तो अब तू मुझ पर हुक्म चलाएगी, चुपचाप जा और सामान लेकर आ। टुनटुनी ऐसी हालत में भी सामान लेने के लिए चली जाती है। बाजार से सारा सामान लाने के बाद जब वह घर आती है तो देखती है कि उसके माँ बाप वहाँ उससे मिलने के लिए आए हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। बेटी हम तो तेरा कब से इंतजार कर रहे थे, कहाँ थी तू, और तेरा शरीर इतना गर्म क्यों है, और ये चोट के निशान कैसे है। कुछ भी नहीं माँ, ये तो बस ऐसे ही। बेटी क्या तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे बताओ बेटी। टुनटुनी के माता पिता उसकी सास से भी पूछते हैं,
इस बात से वो बहुत घबरा जाती है। पिंकी तुम ही बताओ, हमारी बेटी को चोट कैसे लगी? माँ, इसमें सासू माँ की कोई गलती नहीं है, वह तो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है माँ, मुझसे ज्यादा काम भी नहीं करवाती। यह शरीर तो इसलिए गर्म है क्योंकि मैं बाहर सामान लेने गई थी और धूप बहुत तेज थी, और ये चोट इसलिए लगी है क्योंकि मैं गिर गई थी। माँ, सासू माँ तो बहुत अच्छी है, सच में आप इन्हें कुछ मत कहिए। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचती है कि उसने अपनी बहू के साथ क्या क्या जुल्म नहीं करा, फिर भी टुनटुनी उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है। उसके बाद से पिंकी अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी।